ये इस तरह के होर्डिंग जगह जगह लगे हुए होते हैं, हैप्पी दीपावली। साउथ इंडियन लोग इसे दीपावली कहते हैं और नॉर्थ में इसे दिवाली कहते हैं। नाम कोई भी हो, त्यौहार तो एक ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है धनतेरस, दिवाली 2 दिन पर आ गई है और मैं अभी जा रही हूँ घर के पास वाले छोटे से सुपर मार्केट में। यहाँ पर भी दिवाली की तैयारी चल रही है, दिवाली की शॉपिंग चल रही है। पिछले वीडियो में आपको दिखाया था लिटिल इंडिया में दिवाली की तैयारी कितने जोर से चल रही है। तो ये आ गया सुपरमार्केट। यहाँ पर भी दिवाली की लाइट्स लगी हुई है। सिंगापुर में भी इंडियंस लोग बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पर भी दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती है। इसीलिए तो हर जगह ट्रेन बस में दिवाली के डेकोरेशंस लगे हुए होते हैं। बहुत अच्छा लगता है सब कुछ। तो अभी हम पहुंच गए हैं शॉप में। आज है धनतेरस और आज झाड़ू लेना बहुत अच्छा होता है। लोग सोना चांदी लेते हैं और आज मैं झाड़ू ले रही हूँ सच में। लेकिन आज के दिन झाड़ू लेना अच्छा होता है, पूजा करनी होती है ना, इसलिए। तो दिवाली के पूजा के लिए जो सामान लगता है वो लेने में आ गई हूँ। थोड़े से फ्रूट्स लेने हैं, कुछ सामान लेना है। ये देखिए, यहाँ पर सभी जगह दीपावली के ऐसे धूम मची हुई है। ये देखिए कितने प्यारे फूल हैं। मुझे कुछ फूल भी लेने हैं, देखते हैं मिलते हैं कि नहीं जो चाहिए वो वाले। बहुत वैरायटी है इसमें। मैं हमेशा यहाँ से फूल ले जाती हूँ, बहुत खूबसूरत होते हैं ये और सारे ये असली फूल है। अभी तक शॉपिंग चल रही है दिवाली की। ये हर साल मैं दिवाली पर लाती हूँ ये टिश्यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर में ऐसा फील आता है कि दिवाली है ना। और इन लोगों के न्यू ईयर चलते हैं तभी भी हमारी दिवाली चलती है। ओह नहीं जी, पूरी तैयारी हो गई दिवाली की। चलो अब लग रहा है दिवाली है। जब तक घर में मिठाई बनने की खुशबू ना आ जाए तब तक लगता ही नहीं कि दिवाली है। दिवाली पे तो घर में मिठाई बननी ही चाहिए और इससे अपने बच्चों को भी हम सिखा सकते हैं कि अपने फेस्टिवल कल्चर कैसे होते हैं, क्योंकि वैसे भी इंडिया से दूर रहने पर बहुत मुश्किल होता है बच्चों को ये सब कुछ पता चलना। इसलिए कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, तो उसे हम घर में सेलिब्रेट करेंगे तो ही बच्चों को पता चल जाता है कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो बच्चों के लिए तो हम ज़रूर करते हैं ये सब कुछ। बच्चे भी खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं। आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप कहीं भी रह रहे हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली मनाइए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ अच्छे से दिवाली मनाइए। सभी लोग अपने परिवार के साथ दिवाली नहीं मना सकते, काम की वजह से कोई कोई दूर रहता है, इसलिए हम एक साथ नहीं मिल पाते।
और अपने आर्मी के जवान, उनको तो अपने परिवार के साथ दिवाली या कोई भी त्योहार मनाने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन उन्हीं की वजह से हम भी अपने घरों में सेफ है, अच्छे से है। सच में उन पे बहुत प्राउड फील होता है, हमारे आर्मी के जवान। उनके लिए जो भी कुछ कहा जाए कम ही है। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।